गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों ने आईज़, नोज़ एंड लिप्स को अच्छे तरह से प्रैक्टिस किया होगा। आज हम लोग डिटेल बनाएंगे, एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, कोई भी एक फेस रेंडमली दिमाग में जो भी पोर्ट्रेट आए। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोज़ से। नोज़ का हम लोग पहले शेप निकाल लेंगे, जैसे मैंने कल बताया था। अब ये नोज जहां एंड होगा ठीक उसके सीधे ऊपर से हम लोग आईज बनाएंगे। ये जहां नोज एंड हुआ ठीक उसके ऊपर से, ध्यान रहे ये नोज जितना बड़ा है आईज भी उतना ही बड़ा होगा। ये नोज के जस्ट नीचे, ये मैं फ्रंट व्यू का बता रहा हूं आप लोगों को, इसके जस्ट नीचे हम लोग लिप्स बनाएंगे। अब नीचे की तरफ हम लोग इस शेप का लाइन हम लोग ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ध्यान रहे इससे आपको साइड से बनाने में आसान हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ध्यान रहे आईज जितना बड़ा है ऊपर में उतना बड़ा आपको यहां पर लेना है। ये जनरल शेप आपका आ गया। अब इसको हम लोग शेडिंग करेंगे। अगर इधर से लाइट आता है तो एक तरफ में आईज में, नोज में, हर तरफ ये शेडिंग होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो कहाँ कहाँ शेडिंग होगा इसको आप मार्क कीजिए। ये दोनों डार्क जैसे मैंने कहा था, अब इस साइड भी डार्क होते हुए आएगा। ये पूरा पार्ट ऐसे डार्क होगा नोज के यहाँ नीचे में, यहाँ डार्क करेंगे क्योंकि लाइट इधर से आएगा तो ये वाला ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। इस जगह भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पर ऐसा करके हम लोग उभारेंगे और नोज़ के दो साइड में हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ऐसा हम लोग मार्क करेंगे। और लिप्स का ये ऊपर वाला पार्ट पूरा डार्क होगा और ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क होगा। इस साइज के इस साइड भी ऐसे ही हम लोग डार्क करेंगे। इधर ऊपर वाले पार्ट में भी ये पूरा इस तरह से डार्क होगा। अब ये लिप्स लाइन जो है, इस लिप्स लाइन को लेके यहाँ पर हम लोग नेक बनाएंगे। लिप लाइन से स्टार्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नीचे में आपको डार्क करना है नोज़ और ये आईब्रो के बीच में, इन आईज के बीच में हम लोग यहाँ पर ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होती है कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आईब्रो जहाँ एंड होता है वहाँ से लेके नोज़ जहाँ पर एंड होता है वहाँ तक ये हम लोग ईयर्स बनाएंगे। यस की ये डिटेलिंग हो गई है। अब इस आईज को हम डिटेल करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था मैं वैसे ही बना देता हूँ। अब आईब्रो पार्ट देखिए, आईज मैंने कल जैसे आप लोगों को बताया था वैसे ही मैंने बता दिया। अब आईज वाला पार्ट मैंने ये आईब्रो को मैंने ड्रॉ कर लिया, आईज भी वैसे हो गया, नोज वगैरह सब ये गया। ये सारा हो जाने के बाद हम लोग हेयर स्टार्ट करेंगे। हेयर हम लोग जैसे देना चाहें हम लोग हेयर वैसे दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे शुरू किया तो हेयर का पहले जो शेप है वो शेप को पहले निकाल लीजिए, ये शेप पहले बना लीजिए एंड उसके बाद मैं इसमें शेडिंग आप लोगों को बताऊंगा कि शेडिंग इसमें कैसे होगा। अब ये हेयर का लाइन जैसे जैसे है वैसे ही पेंसिल को फ्लैट करके घुमाते जाना है। ये देखिए मैंने ये हेयर का फाइनल ये एंगल के हिसाब से, अब फाइनली इसको हम लोग उंगली से जहाँ जहाँ हम लोग को ज़रूरत है थोड़ा मिले। ये एक टेक्निक है, इसको आप पेपर स्टम्प से भी मिला सकते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैंने ये उंगली से ऐसा कर दिया। अब देखिए सिंपल सा और ये देखने में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा।